Hello friends, welcome again. Topic is issue and problems in the construction of a feminist canon of Indian English writing. Means Nari Andolan ne jo dharm siddhant ya kanun banaye apne writing ke madhyam se, apne lekhan ke madhyam se, usme kya problems aayi auraton ko, nariyon ko, वुमेंस को क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके बारे में, इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. द फर्स्ट इशू फॉर डिस्कशन इज़ द एक्सिस्टेंस ऑफ फेमिनिस्ट इंग्लिश इंडियन राइटर्स. मतलब इशू एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि एक्सिस्टेंस यानी वजूद भी था या नहीं. जो इंडियन इंग्लिश में महिलाओं का, फेमिनिस्ट राइटर्स का कोई वजूद था या नहीं. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, वजूद था और ये पुरुषों के बराबर ही था, क्योंकि इंडियन राइटिंग में मेल्स डोमिनेंट जितना मेल डोमिनेट करता है उतना ही फीमेल डोमिनेट करती है, क्योंकि इनकी जो एमरजेंस या शुरुआत जो है इंग्लिश में इंडियन राइटर्स द्वारा लगभग एक साथ हुई थी. द सब्जेक्ट और द फॉर्म्स chosen by the Indian writers are not dictated by their being female or male. मतलब कोई भी राइटर अगर कुछ लिखना चाह रहा है तो उसका निर्धारण, उसके सब्जेक्ट का निर्धारण, लिखने वाले विषय का निर्धारण इससे नहीं होता था कि वो फीमेल है या मेल है. It may be said that some areas are there which are neglected by males and discussed by them in male-oriented terms. मतलब ऐसे भी कई क्षेत्र थे जिसमें मेल्स बिल्कुल डोमिनेट नहीं करते थे. मेल्स ने जानबूझकर उन सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट कर रखा था. उसमें वुमेन्स राइटर्स ने क्या किया, वुमेन राइटर्स फाउंड दीज एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स फिट फॉर एक्सप्लोरेशन. उन्होंने उन सब नेगलेक्टेड एरियाज पे कवर किया और अपना राइटिंग एक्सप्लोरेशन किया. समटाइम्स द फीमेल perspective gets problematic as the male domination is rooted in the females to such extent that even in the protest or revolts also the man voice can be easily felt. मतलब कुछ areas ऐसे थे जिनमें females को problematic होना पड़ा, females के लिए वो problematic हो गया, क्योंकि उसमें मेल डोमिनेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था, रूटेड था. अगर वहाँ पे फीमेल प्रोटेस्ट भी करती उसके बाद भी मेल की वॉइस जो है उसको इजीली फील किया जा सकता था. हम इंडियन इंग्लिश राइटिंग में वुमेंस को भी सक्सेसफुल मान सकते हैं सिमिलर क्वालिटीज़ के साथ, सिमिलर टू मैन. इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग वी कैन वेरी वेल सी द सक्सेसफुल वुमेन राइटर्स having the qualities similar to men. Women writers have maintained customs and belief of social realism. Women writers ne samaj ka riti rivaj aur uska jo belief hai wo banaye rakha. Ek aur big problem rahi Indian feminism mein wo ye ki Indian English women authors ne apne talent ko openly show nahi kiya. उनका जो काम था, वर्क था, राइटिंग थी, वो आर्ट एंड ब्यूटी तक कहीं हद तक सीमित रही. एक ख़ास बात वुमेन ऑथर्स की, द ऑथर्स कीप्स हरसेल्फ एट द पोजीशन ऑफ डिस्कशिंग और डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इंस्टेड ऑफ पुटिंग हरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ एन एजेंट और ए मैसेंजर. मतलब इन्होंने, वुमेन ऑथर्स ने अपने आप को हमेशा डिस्कसिंग की पोजीशन पे रखा. कुछ भी मैटर जो इन्होंने राइट किया उस पर खूब सारा डिस्कशन किया, पर्सनल डिस्कशन भी कह सकते हैं, और इन्होंने अपने आप को एजेंट या मैसेंजर के रूप में स्थापित नहीं किया. अनटिल नाउ वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक कैनन और टूल्स टू जज और जस्टिफाई दीज राइटिंग्स. हमारे पास अब तक ऐसा कोई टूल या कैनन नहीं है, कानून नहीं है, जिससे कि हम फेमिनिस्ट कैनन को, फेमिनिस्ट राइटिंग को जस्टिफाई कर सकें. नाउ इट इज़ द टाइम
टू वर्क आउट एंड फाइंड द न्यू इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वर्क ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन। अभी टाइम आ गया है कि हम वुमेन को भी बराबरी का दर्जा दें और उनके काम को सम्मान दें, जैसा कि हम एक मेल ऑथर को देते हैं। तो सारांश ये निकलता है कि मेल एंड फीमेल दोनों ऑथर्स ने कैनन बनाने में बराबरी का काम किया। फेमिनिस्ट कैनन और मेल कैनन दोनों ही लगभग साथ में शुरू ही आफ्टर अर्ली नहीं सॉरी लास्ट स्टेज ऑफ 20th सेंचुरी। और फेमिनिस्ट कैनन की शुरुआत 1960 में अमेरिका में हुई थी, अगर हम बात करें पूरे संसार की तो। और उसके बाद इंडिया में भी धीरे धीरे ये काम शुरू हुआ, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों की शुरुआत एक साथ हुई थी इंडिया में। वेल गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।